हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। इस सेकंड में आपको क्रिकेट से रिलेटेड बड़ी बड़ी खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियोस मिल सके। पहली बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच। कल से डे नाइट टेस्ट मैच शुरू होगा, कल सुबह 9:30 बजे को टेस्ट मैच शुरू होगा, डे नाइट टेस्ट मैच। कल से टेस्ट मैच सीरीज का आगाज होगा। अगर बात की जाए, नज़र रहेगी सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी बल्लेबाजों पर, मार्नस लेबुशन, स्टीव स्मिथ और इसके अलावा टीम पैनी पर नजर रहेगी, और इंडिया की तरफ से चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे पर ज़्यादा नज़र रहेगी, और प्लेइंग 11 पर भी नज़र रहेगी। क्या शुभमन गिल को मौका मिलेगा या पृथ्वी शाह को मौका मिलेगा, विकेट कीपिंग पे ऋषभ पंत को मौका मिलेगा या रिद्धिमान साहा को मौका मिलेगा, ये कल 9 बजे तक तय किया जाएगा। प्लेइंग 11 तय की जाएगी कि कौन सी टेस्ट में कौन सी प्लेइंग 11 पहले टेस्ट मैच में शामिल होगी। और एक तरफ से गेंदबाजी में देखा जाए तो मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस होंगे, और दूसरी तरफ मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी में होंगे। यानी चारों तेज गेंदबाज बहुत ही ज़बरदस्त, इस वक्त के बेहतरीन गेंदबाजों में इनका शुमार होता है, और बेहतरीन गेंदबाजी दोनों टीमों की तरफ से देखने को मिलेगी, और बल्लेबाजी भी दोनों टीमों में देखी जाएगी। और कल सुबह 9:30 बजे को ये टेस्ट मैच शुरू होगा, ये डे नाइट टेस्ट मैच है। बात की जाए दूसरी खबर की, ये खबर निकल के आ रही है लंकन प्रीमियर लीग के मैच के हवाले से। आज लंकन प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला जाएगा, आज रात 7 बजे को ये मैच खेला जाएगा, और ये सोनी के नेटवर्क पर खेला जाएगा, टेलीकास्ट किया जाएगा, और आज रात 7 बजे को ये मैच खेला जाएगा। एक तरफ से तिसारा परेरा कप्तानी करेंगे और दूसरी तरफ राजा बक्शा कप्तानी करेंगे। दोनों टीमें बहुत ही ज़बरदस्त टीमें हैं, और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ दोनों टीमें फाइनल में पहुँची है, और एक तरफ से मोहम्मद आमिर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए देखेंगे, और दूसरी तरफ उस्मान शिनवारी गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे सुरंगा लकमल के साथ, और मोहम्मद आमिर के साथ धनंजय लक्षण गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। दोनों टीमें बहुत ही ज़बरदस्त टीमें हैं, और आज शाम रात 7 बजे को फाइनल मैच खेला जाएगा, लंकन प्रीमियर लीग का फाइनल मैच। तीसरी बड़ी खबर करो करें, एक खबर निकल के आ रही है टिम पैनी के हवाले से। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन टिम पैनी के मुताबिक उन्होंने कंफर्म किया है कि कैमरन ग्रीन टेस्ट डेब्यू करेंगे कल से होने वाली पहले टेस्ट मैच में इंडिया के खिलाफ। टिम जो कैमरन ग्रीन बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज है, प्रैक्टिस मैच में शतक भी मारा था और उसके बाद वो इंजर्ड हुए थे, और अब टिम पैनी ने कंफर्म किया है कि कैमरन ग्रीन पहले टेस्ट मैच में शामिल होंगे, और अभी तक ओपनिंग पर कोई भी फैसला नहीं किया गया है। ये कहना है टिम पैनी कि अब टॉस के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा बल्लेबाज ओपनिंग करेगा, अभी तय नहीं किया, लेकिन ये तय है कि कैमरन ग्रीन टेस्ट डेब्यू करने वाले हैं कल से होने वाले डे नाइट टेस्ट मैच में। चौथी बड़ी खबर करो करें, ये खबर निकल के आ रही है लॉकी फर्ग्यूसन के हवाले से। बुरी खबर निकल के आ रही है कि न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर बहुत ही बेहतरीन फास्ट बॉलिंग करते हैं, और आईपीएल में भी गेंदबाजी की थी, और वो 6 हफ्ते तक क्रिकेट से बाहर हो गए हैं, उनकी फ्रैक्चर के कारण वो 6 हफ्ते तक क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब वो 6 हफ्ते तक क्रिकेट में नहीं आएंगे और 6 हफ्ते बाद ही वो क्रिकेट में शामिल होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर लॉकी फर्ग्यूसन 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियोज मिल सके। थैंक यू।